करेंगे बातचीत खेल जगत की कुछ खास खबरों की और दिखाने जा रहे हैं आपको जयपुर सप्ताह की खास खबर, जहां पर जयपुर में राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल में पदक जीतने वाले योद्धाओं वीरों की माताओं को जीजाबाई खेल सम्मान से किया गया सम्मानित। मैं जेपी शर्मा आवा न्यूज 24 से, और देखिए यहाँ कुछ बच्चों को गोल्ड मेडल मिले हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे और यहाँ उनके जो कोच हैं और यहाँ उनको सिखाते हैं वो भी हमारे पास में हैं। सर आप इन बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं अभी? सर हम कराटे और ताइक्वांडो सिखा रहे हैं बच्चों को जी। हाँ ये कितने दिनों से चल रहा है? ये सर मैं 2009 से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। हमारे यहाँ से कई बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और लगातार हमारा यहाँ प्रेशर ऐसा रहता है बच्चियों के लिए हम ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा अधिकतर हमारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो अभी केरला साई में खेल रही है, काशीपुर में खेल रही हैं, हमारी बच्चियाँ भी यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं। हमारे यहाँ से एक बच्ची गोल्ड मेडल है G1 के अंदर, और अभी भी लगातार बच्चियाँ हैं। अभी जो बच्चों को मेडल मिले कितने लोगों बच्चों को मिले? अभी हमारे यहाँ 27 बच्चों को गोल्ड मेडल मिले जी। हाँ स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में 27 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है, और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जो जीती है हम लोगों ने उसमें हमारी 70% भूमिका रही है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका सुनना गोपाल सिंह राठौड़ जी। गोपाल जी ये बताइए कि इन बच्चों को ये जो सिखा रहे हैं आप, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि आज के जो माहौल के अंदर बच्चों के प्रति जो आज अखबारों में तरह तरह के जो आते हैं दृश्य, तो उनको आत्मरक्षा के लिए जिससे वो अपने हौसले से बुलंद रहें और हर समस्याओं का सामना कर सकें, अपनी आत्मरक्षा कर सकें। अभी जो आपने गोल्ड मेडल दिया और जिनको सम्मानित किया है वो किसके अंतर्गत किया है? ये हमने यहाँ जिला सम्मेलन किया था, तो उसके अंदर हमने एथलेटिक्स है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उनका किया था, और ये जिला सम्मेलन में हमें जो ताइक्वांडो है उसके निमित्त हमने एक मतलब उसके बैनर तले हमने ये काम किया। जीजाबाई कुछ बता रहे थे वो क्या है? ये हमारे जो क्रीड़ा भारती है हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एक आयाम है ये, और हमारे राष्ट्रीय जो एक कार्यकारिणी है उन्होंने केंद्र लेवल पर विचार किया कि लड़कों का या खिलाड़ियों का तो सम्मान होता ही है, वह पिताजी का भी हो जाता है, लेकिन एक माता है वो घर में रहती है जो बच्चों को मोटिवेट करती है, तो ऐसा विचार करके एक शिवाजी महाराज की जो माता है वीर माता जीजाबाई उसके निमित्त हमने खेल पुरस्कार देने का केंद्र लेवल पर निर्णय किया। उसके निमित्त हमने यहाँ जो हमारा जो जिला विद्याधर जिला है जयपुर उसके